नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से। आपको बड़ी खबर बता दें, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने बीमा भारती पहुंची हैं और रुपौली विधानसभा सीट पर बीमा भारती की तरफ से दावा किया गया है। बीमा भारती का कहना है कि रुपौली की सीट हम नहीं छोड़ेंगे, हम या मेरे परिवार के लोग ही इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि रुपौली की सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, लेकिन इस उपचुनाव से पहले बीमा भारती की तरफ से दावा किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीमा भारती तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए राबड़ी आवास भी पहुंची है। चुनाव है तो स्वाभाविक है कि चर्चा होना ही है, तो इसलिए आए हैं, तो मिलने जा रहे हैं अभी। क्या क्या कुछ बात रखेंगे आप? मानती हैं कि रुपौली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको बिल्कुल जाए? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, वहाँ से तो चुनाव लड़ेंगे ही, सब परिवार में कोई न कोई तो लड़ेंगे ही, रुपौली छोड़ेंगे नहीं ना, न रुपौली के जनता छोड़ेंगे। वहाँ के लिए रुपौली के लिए आपका पक्का दावा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो रुपौली की सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, लेकिन इससे पहले बीमा भारती की तरफ से रुपौली की सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया गया है। और ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, रुपौली की सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, लेकिन इससे पहले बीमा भारती का ये बड़ा बयान कि हम या मेरे परिवार के सदस्य ही इस सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए वो पहुंची है, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? दोहराएंगी जी अमित, बीमा भारती तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए पहुंची हैं और ये बड़ा बयान कि हम या मेरे परिवार के लोग ही रुपौली की सीट पर उपचुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल रश्मि, अभी अभी जो बीमा भारती हैं वो पहुंची हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने। उनसे जब हमने सवाल किया कि बीमा भारती जी, क्या तेजस्वी यादव से आपकी बातचीत हुई है और रुपौली सीट को लेकर आपका क्या क्या सोच रही हैं आप, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से उनसे फोन पे बातचीत हुई है और अभी अभी तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं, तो राबड़ी आवास पे उनसे मुलाकात करने बीमा भारती पहुंची है। उन्होंने कहा कि रुपौली की सीट पर, यानी दो उपचुनाव होने हैं उस पर, वो चाहे उनके परिवार के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। और एक तरीके से डंके की चोट पर बीमा भारती ने दावा ठोक दिया है कि रुपौली की सीट पर कोई भी मंजूर नहीं है सिवाय उनके परिवार या फिर वो खुद चुनाव उपचुनाव लड़े। तो अभी अभी वो पहुंची है, तेजस्वी यादव से मुलाकात चल रही है। मुलाकात के बाद जब बाहर निकलती है तो क्या कुछ बोलती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी जब कशिश न्यूज से वो बात कर रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि रुपौली चुनाव में वो या उनके परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़ेंगे। और तेजस्वी यादव से मुलाकात करके एक तरीके से वो हाँ भरवाने की के लिए वह पहुंचे हैं। तो क्या कुछ जानकारी मिलती है बाहर निकलने के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि अब उन्होंने दावा ठोक दिया है। रश्मि बिल्कुल अमित, साथ ही क्या तेजस्वी यादव से जब फोन पर बातचीत हुई तो किसी तरह का आश्वासन दिया गया, क्योंकि आज मुलाकात के लिए पहुंची है और खुले तौर पर मीडिया से बातचीत में भी ये कह रही है, जैसा आपने उनसे सवाल पूछा तो उनका ये कहना है कि रुपौली की जनता हमारे साथ है और इसीलिए वहां से उपचुनाव हम ही लड़ेंगे या हमारे परिवार के सदस्य लड़ेंगे। देखिए, इससे पहले रश्मि वो पूर्णिया में एक बयान देकर काफी उस पर बवाल मचा था कि आखिर उन्होंने सीधे तौर पे किया था कि उनके पति भी उम्मीदवार हो सकते हैं, इसको लेकर काफी चर्चाएं शुरू हो गई राजनीति में और खासकर जो महागठबंधन के अंदर में, क्या उनके अलावा उनके पति जो है वो भी उम्मीदवार बन सकते हैं। तो इसी बात के लिए वो पुख्ते तौर पर तेजस्वी यादव से चाहती हैं कि वो इस पे मुहर लगा दें कि वो या फिर उनके पति चुनाव लड़े, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़े। लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक जानकारी नहीं है कि तेजस्वी यादव ने फोन पर क्या उनको ये सहमति दे दी है कि उनके अलावा और कोई उनके परिवार के सदस्य मंजूर है या नहीं। लेकिन जो फोन पे बातचीत हुई है इसके बाबत वो तेजस्वी यादव ने
पटना पहुंचते ही बीमा भारती को तलब किया है और वो अब राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड के अंदर में उनसे मुलाकात चल रही है और अब जब वो बाहर निकलती है तब वो जानकारी देंगी कि तेजस्वी यादव ने उनके इस जो प्रस्ताव है उस पर उन्होंने क्या मुहर लगाई है। लेकिन ये तय हो गया है कि बीमा भारती ने दावा कर दिया है कि जो रूपौली का उपचुनाव है वहां वो या फिर उनके परिवार के सदस्य ही उम्मीदवार होंगे और इस बात की सहमति वो बता रही है कि तेजस्वी यादव ने दे दी है। चलिए बिल्कुल अमित, मुलाकात पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।